आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ओहो, ये किसने दिया तुम्हें? मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। कह रहे थे आपको लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त? हाँ। मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई? तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? नहीं नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है उनकी। दाढ़ी मूछ? हाँ, अभी थोड़े दिन हुए हमारी दोस्ती हुए। कैसे दिखते हैं वो? हाँ, अभी बताता हूँ। खाइए मत, पता नहीं किसने दिया है। बड़ी जानी पहचानी सी महकारी इसमें से। अस्पताल के उद्घाटन में जा रहा हूँ। बाबूजी को पता चल गया तो? इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। बाबूजी या माताजी पूछें तो कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ। अच्छा ठीक है। ओके? मैं भी चलूँ आपके साथ? क्या करती हो उषा, मैं खुद छुप छुपा कर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप ही जाइए। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं कहूँगी आप नाई की दुकान पे गए हैं। नाई की दुकान? हाँ। ओके, थैंक यू। शेविंग करवाने? धत। ठीक है दादी माँ, आप हीरा काका के अस्पताल उद्घाटन में जाइए। दादाजी पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आप मंदिर गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया। जी, पिताजी और मंजली काका टाउन गए हैं। मेरी माँ और मंजली काकी नानी से मिलने गई हैं और दादी माँ मंदिर गई हैं। अच्छा, देखो मैं नीचे बगीचे में टहलने जा रहा हूँ। तुम्हारी दादी मंदिर से लौटे तो उनसे कहना कि मैं खाने के वक्त लौटूं। जी दादाजी। जो आपके सामने बन के खड़ा है ये अकेले हीरा की मेहनत का नतीजा है। अस्पताल का सपना हीरा के पिताजी ने देखा था
लेकिन किसी कारण वो सपना पूरा हो ना सका। बाप के घर से निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी बस में सफर करके हीरा ने इस मंजिल को पाया है। औलाद तो हर माँ बाप की होती है, मगर माँ बाप को धन्य कर देने वाली हीरा जैसी औलाद कभी कभी जन्म लेती है। मुझे नहीं लगता बाबूजी आने वाले। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अस्पताल का उद्घाटन श्री ठाकुर भानु प्रताप के हाथों होना था, लेकिन एक जरूरी पंचायत में जाने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ एक संदेशा भेजा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन उनका पोता छोटे ठाकुर भानु प्रताप करें। के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूरत नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है,